तो नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए, वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार आईटीआई 2024 का जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उससे जो है प्रमुख प्रमुख जो रिलेटेड जो बातें हैं उनको जानेंगे, क्योंकि इसी समय में जो बच्चे हैं वो भड़कते हैं, भटकते हैं, दूसरे दूसरे चैनल पे मतलब कि सर का वीडियो देखते हैं, और मतलब कि मेरा कहने का इंसेंटिव समझिएगा, इंटेंसिव समझिएगा कि आपको कहने का मेरा मतलब क्या है। कि मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आप देखिए नहीं, मेरा कहने का सेंस ये है कि कुछ आपको यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे कि आपको थंबनेल, मोटे मोटे थंबनेल, बढ़िया बढ़िया थंबनेल बनाकर आपको क्या करेंगे, आपके जो माइंडसेट है उसको बदलेंगे, और वो आपको पढ़ाई के क्षेत्र से क्या करेंगे, धीरे धीरे भटकाएंगे और क्वेश्चन पेपर लीक इस टाइप से बात करने लगेंगे। तो उस सारे चीज़ों से हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए कि आखिर हम वीडियो में आपको बताना क्या क्या चाह रहे हैं। तो फिलहाल तो पहले वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें जो मतलब कि सीबीटी एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, वो फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, और आगे चल के भी 2025 में या 26 में अगर कभी भी ये वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, तो वो सीबीटी एग्जाम जो आईटीआई से है वो उन बच्चों के लिए भी उस समय इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि बिहार आईटीआई जो सीबीटी एग्जाम 2024 में होने वाला है, या हो वो फर्स्ट ईयर या हो सेकेंड ईयर, उसमें देखिए उसमें हम लोग को किन किन बातों को ध्यान रखना है एग्जाम का समय, क्योंकि वो क्या है, जब जब नजदीक आता है तब तब ये अफवाहें फैलती है। वो अफवाहें से क्या करना है, हम लोग को बचना है। क्या करना है, अफवाहें से हम लोग को क्या करना है, बचना है। तो ज्यादा हम आप लोग का समय नहीं लेते हुए हम 4 से 5 मिनट में ये इस बातों को क्या करेंगे, इन बातों को खत्म करेंगे। तो आप लोग ध्यान से एकदम वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो मतलब कि एग्जाम का समय चल रहा है, कुछ दिन में एग्जाम होगा। तो आपको जो यूट्यूब पे मतलब कि ध्यान भटकने का बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे, टीचर का हम बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर का बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यूट्यूबर मिलेगा कि आपको ध्यान भटकाएगा, हर बार हर वीडियो में उसका हर थंबनेल पे क्या मिलेगा आपको, कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, ये पेपर आउट हो गया, वो पेपर आउट होगा, और आप उसके चक्कर में क्या करिएगा, आपका जो सेंस था पढ़ने का, मतलब आपका जो आप जिस रफ्तार से, जिस तरीके से आप जो चीज़ पढ़ रहे थे उस चीज़ को आप लोग नहीं पढ़िएगा। और हम आप लोग को बार बार बता चुके हैं, और लगभग वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं कि आप लोग को जिस जिस व्यू से, जिस चीज़ से, आपको जिस बुक से या जिस पीडीएफ से आपको क्वेश्चन आने वाला है उसी पे आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, और क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, ये पेपर आउट हो गया, तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि ये ऑल ओवर भारत में बड़े पैमाने पर एग्जाम लिया जाता है। तो इस चीज़ से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर बचना है, और एग्जाम नज़दीक आते ही ये सब चीज़ आप लोग को मिलते रहेगा। देखिएगा आप लोग, इस चीज़ से सिर्फ आप लोग को बचना है, ठीक है। तो ये वीडियो मतलब कि प्रमुख जो था इन्हीं बातों पे मतलब कि हम बनाए थे। तो देखिए, एक चीज़ और आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नहीं छोड़ के जाइएगा और भूलिएगा नहीं इस बात को, कि पीडीएफ जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, या फिर वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या फिर वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, वो जो है वो पीडीएफ पढ़ने के बाद उन बच्चों को क्या करना है, उनके लिए ये प्रमुख जानकारी है, वो सुनिएगा ध्यान से। कि बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि पीडीएफ पढ़ ले रहे हैं, पीडीएफ पढ़ने के बाद वो सीधा चुपचाप हो जा रहे हैं, रिवीजन भी नहीं कर रहे हैं, और एग्जाम का आने का मतलब कि समय को क्या कर रहे हैं वो लोग, मतलब वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम आने का वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है। जो बच्चे पीडीएफ को पूरी तरीके से क्या किए हैं, खत्म कर चुके हैं, रिवीजन का वो मतलब कि समय है, तो उन लोग बच्चों को क्या करना है, एक पूरी तरीके से उसको उनको क्या करना है, जो निमी का जो साइट है गूगल पे आप लोग जाके वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सेट मारने सेट सेट से पहले क्या करना है आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मतलब कि एक सेक्शन, मतलब सेक्शन बना दिया गया है, वहाँ पर आपको उस सेक्शन पे जाकर वहाँ पर सभी चीज़ का स्लॉट दिया हुआ है, सभी ट्रेड का, वहाँ पर जाके आपको टेस्ट वहाँ पर मार लेना है। और वो भी मारने के बाद जब आपको पूरा तरीका से कॉन्फिडेंस आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा तैयारी बढ़िया जा रहा है, तो उन बच्चों को क्या करना है, निमी ने 3 सेट दिए हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट दोनों के लिए, ठीक है। सारे ट्रेड के लिए हम बात कर रहे हैं, ना कि एक किसी स्पेशल ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के लिए दिया गया है वहाँ पर सेट। तो उन बच्चों को क्या करना है, मतलब कि उसमें हम भी आते हैं, तो हम लोग को क्या करना है उसमें, कि वहां पर जाकर सेट को डाउनलोड करना, सेट का पीडीएफ को, और पूरा तैयारी होने के बाद उस सेट को तब क्या करना है, हमको मारना, और देखना है कि हम लोग को किस तरीका से कितना नंबर उसमें क्वेश्चन आता है। ध्यान दीजिएगा कि वो सेट जो है वो आपके ठीक एग्जाम पैटर्न जिस तरीका से है उसी एग्जाम पैटर्न पे आपको वो क्वेश्चन सेट किया गया है। कहने का मतलब, पहले आपको फर्स्ट में 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी कराएगा, सेकंड में आपको इम्प्लेबिलिटी स्किल देगा, या फिर जो भी है आपका ईडी और WSC दे देगा, ठीक है, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। तो इस तरीका से मतलब जितना जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे सीबीटी एग्जाम में, उस तरीका से आपको क्या करेगा, एक तरीका से मॉडल सेटअप समझ सकते हैं, वो हो जाएगा। तो
आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निमी का जो, या फिर आप वहां पर आपको निमी पे अभी नहीं मिलेगा, भारत स्किल पे मिलेगा, ठीक है। भारत स्किल वाला जो साइट है आपको उस पे से जाकर क्या करना है यहाँ पर कि डाउनलोड कर लेना है सेट पीडीएफ जो है, ध्यान दीजिएगा सेट 1, सेट 2 और सेट 3। आप लोग हड़बड़ी में जाकर अभी उसको याद नहीं कर लीजिएगा या मार नहीं लीजिएगा, पहले आप लोग को क्या करना है पूरा पीडीएफ को आराम से पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट को मारना है, उसके बाद ये करना है सेट को क्या कर लेना है पूरी तरीका से याद कर लेना है। क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि ये जो सेट दिए हुए हैं निमी ने कुछ सोच समझ के दिया है, इसमें से जरूर आपका कोई ना कोई सेट या फिर इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस सेट को आप लोग छोड़िएगा नहीं, आप लोग से यही बस हम निवेदन करेंगे आप लोग को कि इस सेट को छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में क्या होगा फिर आप याद करिएगा कि ये सेट भी दिया गया था, इसको हम लोग को क्या करना था पढ़ना था। तो ये वीडियो मतलब कि यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में आप लोग को जो देना था हमको। अगर ये वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो और जानकारी से भरा लगा हो तो प्यारा सा अपना एक जाके कमेंट कर लीजिएगा, ताकि जो है आपका जो है वो सारा जो प्रश्न है या फिर डाउट है वो हम यहाँ पर से क्लियर करते रहें। और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं ज्वाइन करके, और अपना सारा डाउट को मेरे पास रख सकते हैं ताकि हम अपना आपको क्या करें आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो आज आज के इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।